नमस्कार दोस्तों, टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूकस प्लग के बारे में, यानी म्यूकस प्लग क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज होने का क्या मतलब होता है, अगर प्रेग्नेंट महिला का म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है तो इससे उनको घबराने की जरूरत है या नहीं, इससे संबंधित कई सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं आखिर क्या होता है यह म्यूकस प्लग। आपको मैं बता दूँ, ओवल्यूशन के समय फर्टाइल पीरियड में एस्ट्रोजन नामक हार्मोनल के लेवल बढ़ने की वजह से आपके म्यूकस डिस्चार्ज का रंग गाढ़ा हो जाता है। आपको मैं बता दूं, यह म्यूकस प्लग एक प्रकार का सेफ्टी लेयर होता है जो आपके पानी के थैली के ऊपर होता है और आपके गर्भ में पल रहे शिशु का डेवलपमेंट में भी मदद करता है और उसके सुरक्षा कवच की तरह बनकर चारों तरफ रहता है। और एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि म्यूकस प्लग आपके गर्भ में पल रहे शिशु को सुरक्षा देने का काम करता है वायरल इन्फेक्शन से। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि यह म्यूकस प्लग कब डिस्चार्ज होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब आपका लेबर पेन शुरू होने वाला होता है तब यह म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होता है। आपको मैं बता दूं, यह डिस्चार्ज होकर यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी डिलीवरी जल्द होने वाली है। आपको मैं बता दूं, जैसे ही आपके सर्विक्स का मुंह डिलीवरी के लिए खुलना शुरू होता है उस समय के बाद से कभी भी म्यूकस प्लग बाहर आ सकता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, म्यूकस प्लग अगर जल्दी बाहर आ जाए तो क्या हो सकता है। आपको मैं बता दूं, जैसे ही आपका म्यूकस प्लग बाहर आता है तो यह बात की ओर वह इशारा करता है कि आपके बच्चे का ऊपर का जो सेफ्टी लेयर है वह हट चुका है और आपके बच्चे को इन्फेक्शन होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो जैसे ही आपका म्यूकस प्लग बाहर आए आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे क्या प्रेगनेंसी के दौरान म्यूकस प्लग दिखता कैसा है। तो आपको मैं बता दूँ, यह म्यूकस प्लग मोटे रंग का होता है। यह तो नॉर्मली सफ़ेद रंग का होता है या भूरा या लाल, इन तीनों में से किसी भी रंग का हो सकता है। आपको मैं बता दूँ, जब यह म्यूकस प्लग बाहर आता है तो इसके साथ छोटे छोटे ब्लड वेसल भी टूट जाते हैं जो इसी के साथ बाहर आते हैं। इस समय आपको अपनी म्यूकस प्लग का कलर थोड़ा लाल रंग का दिख सकता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आखिर यह म्यूकस प्लग के बाहर निकलने का सही समय क्या होता है। तो आपको मैं बता दूँ, जब आपके सर्विक्स का मुंह फैलता जाता है, धीरे धीरे ज़्यादा फैल जाता है, उसी समय आपके म्यूकस बाहर आते हैं। आपको मैं बता दूँ, यह म्यूकस प्लग जैसे ही बाहर आते हैं वह इस बात की ओर इशारा कर देती है कि आपके डिलीवरी में ज़्यादा समय नहीं है। यह लेबर पेन के शुरू होने के कुछ समय बाद भी बाहर आ सकते हैं और यह एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि म्यूकस प्लग बाहर आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आपको मैं बता दूँ, अगर आपका म्यूकस प्लग बाहर आ चुका है तो इस बात से आप संतुष्ट हैं ही कि आपकी बच्चे की सुरक्षा की एक परत हट चुकी होती है। इसके अलावा भी यह डिलीवरी के नज़दीक आने की ओर इशारा करता है। लेकिन अगर आपको जैसे ही म्यूकस प्लग आए आप लेबर के लिए सारी तैयारियां कर लें, यानी डिलीवरी के समय की जो तैयारी होती है वो सारी तैयारी आप कर लें। आपको मैं बता दूं, यह म्यूकस प्लग कई गर्भवती महिलाओं का 37वें हफ्ते में भी आ जाता है। लेकिन जैसे ही आपको 37वें हफ्ते में म्यूकस प्लग बाहर दिखाई दे आप डॉक्टर से सलाह ले सकती है और आप ज़रूर लें। तो यही सब थी वीडियो की इन्फॉर्मेशन और म्यूकस प्लग के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।